Hey guys, welcome back to another video of On Record Man. तो आज की इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैं जयपुर निकल रहा हूँ, तो वो किसी काम की वजह से अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। तो ट्रैवल व्लॉगिंग भी हम करते हैं, तो मैंने सोचा एक व्लॉग काइंड ऑफ बनाकर क्यों ना डाल दिया जाए। मैं किसी घूमने नहीं जा रहा जयपुर, किसी घूमने के पर्पज़ से नहीं जा रहा। तो मैं आपको इस व्लॉग में एक ही वीडियो बनाऊँगा आने और जाने का, वन डे में अप डाउन करने वाले हैं। तो इसमें बस आपको इसका एक नॉलेज मिल जाएगा कि अगर आप अपनी सीएनजी कार लेके जाना चाहते हैं तो क्या लगभग बाय रोड कॉस्टिंग आपको पड़ेगी, वो फ्यूल हो और टोल वगैरह सब मिलाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जो गाड़ी है वो मैंने कल रिफ्यूल करा ली थी, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। अराउंड 240 रुपीज़ की सीएनजी आई थी, अगर कैमरा फोकस कर ले तो। हाँ, 240 रुपीज़ की सीएनजी आई थी। अभी फ़िलहाल 5 किलोमीटर चली है और मुझे करीब करीब ट्रैवल करना है 211-12 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आप मान के चलो कि 500 किलोमीटर मुझे चलना है, तो देखते हैं क्या कुछ माइलेज ये निकाल के देगी। एक बार फिर से अपनी I-20 हाईवे पे उतरेगी और देखते हैं क्या माइलेज निकलेगी। और आपने अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाके देखो, हमने टायर स्टिकर्स इंस्टॉल करे हैं अपनी गाड़ी पर। कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, गुडियर लिखा हुआ है तो मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे। बाकी कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, सब कुछ उस वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्यूल ऑफ माई कार। ज़्यादा चली नहीं है, 58 किलोमीटर चली है और हरियाणा लग चुका है गुड़गांव में, तो 53 रुपीज़ यहाँ पर सीएनजी है। अब देखते हैं इसमें कितनी रिफिल होती है। सो वी आर अप्रोचिंग आर फर्स्ट टोल ऑफ द जर्नी। तो ये मानेसर वाला टोल रहने वाला है, अभी देखते हैं यहाँ पे कितने का टोल लगता है, क्या हिसाब किताब रहता है। बाकी ट्राई करूँगा मैं यहाँ पे भी अपना आई कार्ड, मतलब पापा का आई कार्ड दिखाई, क्योंकि पापा साथ में ही है, आई कार्ड दिखा कर अगर एग्जेम्प्शन मिल जाए तो। बाकी मैं बहस नहीं करूँगा, अगर नहीं मानेंगे कोई तो दे देंगे पैसे। अभी तो हम खड़े हैं शाहजहाँपुर टोल पे और खड़े हुए भी मेरे को करीब 5 मिनट हो गए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी टोल काफ़ी दूर है, मतलब मेरे आगे कम से कम 7-8 गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, भीड़ देख लो आप टोल पे, बूथ पे कितने हैं। अरे यार शिट, ये गाड़ी मिस हो गई यार। वो गाड़ी देखी है आपने, येलो कलर की, भाई एक नंबर की गाड़ी, पीछे से आती हुई ऐसी लग रही थी ना, पता नहीं क्या ही चीज़ आ रही है, दिखा नहीं पाया आपको ढंग से यार। तो भाई साहब पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं, राजस्थान हम लोग एंटर कर चुके हैं लगता है, पता नहीं कहाँ है, हाईवे पे चले जा रहे हैं और हाईवे पे इतनी कड़ी धूप है, सोच रहा हूँ कहीं गाड़ी लगा कर खड़ा ही हो जाऊँ, बट कहीं छाँव ही नहीं है, साइड में पेड़ हो कहीं कुछ हो तो मैं खड़ा भी हूँ, लेकिन बहुत तगड़ी धूप है, बट नज़ारे एक नंबर। सो राइट नाउ आई एम एट शाहजहाँपुर और यहाँ पे एक सीएनजी पंप मिला है फाइनली, मतलब गुड़गांव के बाद अब मिला है जाकर 140 किलोमीटर के बाद। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मुझे लगा आपसे जयपुर में मिलेगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मतलब जगह जगह जहाँ तक पंप आते रहे ना, वहाँ रिफ़िल करवाते रहो, नहीं तो फिर आपको पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी। मैं सोच लेते पेट्रोल पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिल गई फाइनली। अभी देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कर लेंगे वेट, कोई नहीं, थोड़े पैसे बचाने हैं तो इतना तो कर सकते हैं। बाकी मतलब ये बड़ी बेकार बात है कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे कहीं पे सीएनजी नहीं है। बाकी अगर आप देख सको तो देखो आसमान कितना प्यारा लग रहा है और पहाड़ वगैरह भी दिखने चालू हो गए हैं। तो जयपुर के को टच करने के बाद आपको सीएनजी मिलती है और उसमें भी तगड़ी लाइन है। तो भैया यहाँ भी सीएनजी नहीं मिली, मतलब पंप हैं, 3 पंप्स चेक कर चुके हैं पर तीनों ही पंप्स पे सीएनजी नहीं है। ठीक है, पंप्स तो हैं बट सीएनजी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। अब किसी ने बताया यहाँ से 20-25 किलोमीटर बाद जयपुर में मिलेगी, तो अब देखते हैं अब कितनी चलेगी, लास्ट पॉइंट बची। अभी रेड वाली चीज़ तो नहीं आई, बाकी 3 टोल अभी तक मैं क्रॉस कर चुका हूँ, टोल का भी मैं आपको बताऊँगा कितने कितने क्या क्या पैसे कटे हैं। इन टायर स्टिकर्स में गाड़ी लग बड़ी आ रही है, मतलब अलॉय नहीं है लेकिन फिर भी सही लग रही है, सोबर लग रही है बिल्कुल। और इनका आज ही टेस्ट भी हो गया, लगा लो, कल तो लगाया ही था मैंने इसको,
और आज ही मतलब 80-100 की स्पीड पे तो चल ही रही है, 100 से ऊपर नहीं ले गया मैं, बट 80 से नीचे भी नहीं ले गया अभी तक, तो कहीं से ऐसा निकलता हुआ दिख नहीं रहा मुझे। बट हाँ, एल पी का जो निशान है ना वो रह गया टायर पर, तो मुझे लगता है टाइम के साथ, वॉशिंग के साथ चला जाएगा वो, बाकी कहीं से निकलता हुआ नहीं दिख रहा। बट हाँ, गंदा ज़रूर होगा ये वाइट कलर की वजह से। फाइनली भाई साहब 200 किलोमीटर बाद 205 किलोमीटर चल गई पूरे टैंक में, अब जाके ये सीएनजी पंप मिला है। लेकिन एक बात है भाई, सैलरी वैलरी होती ना, एक ही बार रिफ़िल करवाना पड़ता, मतलब सीधे यहाँ आओ, यहाँ के रिफ़िल कराओ, फिर दिल्ली पहुँच जाओ। पर ठीक है भाई, मतलब गाड़ी अगर जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे माइलेज तो कम होगी, तो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं यार। 263 किलोमीटर चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कैमरा में दिख रहा हो तो 263 किलोमीटर 315 की सीएनजी और हल्का फुल्का पेट्रोल भी लगा है। ठीक है, तो ठीक है यार, बहुत महंगा नहीं है, 600-700 रुपये में यार आप इधर मतलब 300 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, 300 नहीं 250, तो बहुत है मेरे हिसाब से। तो यहाँ हमें फाइनली मिल गई सीएनजी, 450 रुपये की सीएनजी आई, 60 रुपये प्राइस है यार यहाँ पे, लेकिन ठीक है यार, पेट्रोल से तो सस्ता ही पड़ता है हमें, तो 450 रुपये की सीएनजी आई है। अब देखते हैं, 150 किलोमीटर तो ये चल जानी चाहिए। बाकी ये देखो, ये जो गाड़ी है ना, ये हमें कम से कम रास्ते में 4-5 दिख गई, ठीक है, और ये बीच के पंप से कहीं रुकी नहीं रही है, बता रहे हैं कि हम बीच के पंप से रुकी नहीं रहे, हम सीधे यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई बीच वाले पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, अब मिल गई, अब आधे घंटे का यहाँ हॉल्ट लेते हैं, क्योंकि 4-4.5 घंटे से ये गाड़ी लगातार चल रही है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फाइनली एट माई डेस्टिनेशन, कहाँ हूँ मैं इस टाइम पे, निम्स यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहीं आया हुआ था, यहीं पे हमें कुछ काम था, कुछ पर्सनल काम था, तो इसके लिए मैं आया था। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, टायर्स यार मेरे को बड़ा प्यार सा लग गया, मेरे को ये स्टिकर्स का मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अच्छे लग रहे हैं टायर्स, और साफ़ करके साफ़ किया था ना कल, तो थोड़े ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है। लो भैया, अपनी ऑडियंस को एक बार ज़रा पहाड़ के दर्शन करा दिए जाएँ, तो ये है राजस्थान के पहाड़ और ये है खुला आसमान। तो अभी टाइम हो चुका है 2:15 और मुझे लगता है ये करीब करीब 7 बजे तक मेरा पहुँचना होगा दिल्ली, तो अब निकलते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है, अगर बारिश हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए, निकलते हैं दिल्ली अब। तो भाई घर में पहुँच चुका हूँ, घर के बाहर खड़ा हूँ, चेंज मैंने कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ सीएनजी पंप। लगभग इसने फुल जो है 3 सीएनजी टैंक ले लिया और गाड़ी चली कितनी है 510 किलोमीटर, और पूरे टाइम मेरे 100 से ऊपर मैंने स्पीड में लेकिन नहीं गया, ज़्यादातर 80 थी और 80-90 ऐसी चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये विदाउट एसी है, एसी सिर्फ 100 किलोमीटर पर चली है, बाकी 410 किलोमीटर जो है विदाउट एसी ही गाड़ी चल रही थी। तो अभी हम लेके चलते हैं इसको सीएनजी पंप पे और रिफ़िल करवाते हैं, बाकी 3 पॉइंट तो अभी दिखा रहा है, मतलब अबाउट टू एंड होगा तीसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट पर ये जल्दी आ जाएगी। और मैं आपको एक टोल का बता दूं कि टोल कितनी जगह लगा, तो 3 जगह टोल आया था टोटल। पहला टोल तो गुरुग्राम क्रॉस करते ही था, 70 रुपये का टोल था वहाँ, दूसरा शाहजहाँपुर में था, ठीक है, तीसरा नीमराणा क्रॉस करके था। तो हर जगह हमने अपना पापा थे साथ, तो हमने अपना आईडी कार्ड लगाया दिखाया था, ठीक है। तो अब कुछ जो बहुत ही ईमानदार लोग हैं, मेरी ऑडियंस नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, जो अगर कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पे, तो साइड में यहाँ पे ना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, तो वो पढ़ लेना एक बारी कि दिल्ली पुलिस एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, है ना। तो वो हमने कोशिश करी, बट पता नहीं अभी ना क्या फीचर हो गया, समझ नहीं आया। मतलब पहले वाले टोल पे उसने बोला चलो सर जाओ आप, सिर्फ उसने गाड़ी का नंबर नोट करा फ़ोन में और बोला आप जाओ, आपका आपके पास फास्टिंग में बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस रिचार्ज करवा लेना। मैंने कहा ओके, बट जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकला और मैंने रिचार्ज कराया, वो 70 रुपये डिडक्ट हो गए, मतलब समझ ही नहीं आया। दूसरे टोल पे शाहजहाँपुर में, वहाँ पर क्या था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक लगने लग गया था, तो 2.5 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक जब लगने लग जाता है तो टोल फ्री हो जाता है, तो मैंने सोचा अपना भी फ्री होगा, और उसने ये किया भी यही, मतलब उसने ट्रैफिक निकालना चालू कर दिया, मुझे लगा कि अब हम फ्री हो गए। बट जैसे मैं थोड़ी दूर गया, मेरे पास उसका ही मैसेज आ गया कि 140 रुपीज़ कट गए, ठीक है। अगर फास्ट, देखो मेरे को पहले लगा कि हाँ भाई फास्टैग से कट गए होंगे, बट अगर फास्टैग से इतनी जल्दी कट रहे होते तो गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद में उसने निकालना शुरू करा है,
तो मुझे ये ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि अब कुछ सिस्टम चेंज हुआ है क्या फास्टैग में डिडक्शन का। और जबकि मैंने अपने फास्टैग पे ना, मैं अभी निकल के दिखाऊंगा पंप पे, मैंने वो पेपर लगा रखा है जो मैंने पिछले ट्रिप पे भी लगाया था ताकि फालतू में ना कटे पैसे मेरे, बट फिर भी हर बार कटे हैं। समझ ही नहीं आया क्या सिस्टम था। ठीक है, और मतलब जाते वक्त ये दो टोल्स पे मेरे टोल लगा, शाहजहाँपुर और ये गुरुग्राम वाले पे। आते वक्त मेरा कहीं भी टोल नहीं लगा, मतलब अभी तक तो मेरे को कोई मैसेज नहीं आया है। ठीक है, बाकी बात में आया तो पता नहीं। अब इसमें सीएनजी डलवाते हैं और एंड करते हैं इस वीडियो को। मैं इस पेपर की बात कर रहा था, ये लगे होने के बावजूद मेरा दो जगह टोल कटा है। अब ये रहा हमारा टोल टैग, इसको अब हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। तो अभी मैं आया था सीएनजी डलवाने के लिए और 3 किलो सीएनजी आई है, अगर आप देख सकते हो तो। ये देखो 135 रुपये की, और 3 किलो में चली कितनी थी, 110 किलोमीटर। मतलब लगा लो 110/3 कर लो, लगभग अरे 30 से भी ऊपर का माइलेज। ये भी सिटी में है ये, और इसमें भी एसी भी चला है, पर जो टोटल है माइलेज ना, जो टोटल रनिंग कॉस्ट मुझे पड़ी, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बट ठीक है चलो कोई नहीं। 515 किलोमीटर चली और टोटल फ्यूल मेरा जो लगाया वो है 1150 रुपये का। 1150 रुपये का फ्यूल मेरा टोटल लग गया आने जाने में, जयपुर लगा लो या जो लगा लो, 515 किलोमीटर चली है 1150 रुपये में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा और ये वीडियो आपको हेल्प ज़रूर करेगी जब भी आप दिल्ली टू जयपुर ट्रैवल करना चाहते हो। बाकी सीएनजी थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, जहाँ मिले वहाँ भरवा लो, क्योंकि वहाँ बहुत किल्लत है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, आते वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बट प्रॉब्लम थी, क्योंकि तो मैं आपको पहले ही वॉर्न करके चल रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे मेरा स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मैंस, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, मोटो रिव्यूज़, ऑटोमोबाइल रिव्यूज़, सेकंड हैंड कार, सब कुछ आप लोगों के लिए करता रहूँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चले जाए। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।